फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत ही शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों के लिए नया वर्ष बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ अब हम सभी लोग आज जो मंदिर घूमने गए थे, मैंने उसका व्लॉग डाला है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, हमने वहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक बातें करी हैं जो हमने आपके साथ शेयर करी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। देखिए, बाहर कोहरा ही कोहरा है, दिखा दो। सुपर थिंग, अच्छा मतलब तुम लाटिंग हो, उसमें भी नेक्स्ट राइट। अब स्टार्ट कर दो।
हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब आलोपा देवी के मंदिर में आए हैं। ये मंदिर का दृश्य है, आप लोग भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये प्राचीन रुक्मणी देवी तीर्थ आलोपा देवी मंदिर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में महाराजा भीष्मक के यहाँ से गौरी जी का मंदिर था। यहाँ राजकुमारी रुक्मणी जी विवाह से एक दिन पूर्व गौरी पूजन हेतु आई थी। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण उनका हरण करके ले गए थे, इसलिए यहाँ पर गौरी जी भी अलोप हो गई, इसलिए इस मंदिर का नाम आलोपा देवी मंदिर हो गया। इसी मंदिर के पश्चिम दिशा में द्वापर कालीन महाराजा भीष्मक द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है, जो भगवान भयानक नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये शिलालेख यहाँ पर स्थापित किया गया जिससे लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मंदिर देख लीजिए आप लोग भी, पूरा कैसा मंदिर है। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। हेलो, हाँ बोल, स्कूल की चौड़ा जी सुंदर जी, थोड़ा बहुत भी बात फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया है, यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए किसी में डाल दीजिए साइड में। और ये यहाँ पे देखो नीम का पेड़ कितना बड़ा सा बना हुआ है। ये आगे से फ्रंट और कल ही खत्म बन रहा है, हर चीज चेंज हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। नाम बोल रहे हो, अब रंगोला बन जाए तो सब बड़े अच्छे दिन करने का। बाबा जी और कोई मंदिर यही है, रुक्मणी धाम कहाँ है, जो मतलब पुराना मंदिर है। हाँ, और एक बोलो। ये देखिए, ये मंदिर आप बाहर से भी देख लीजिए, मंदिर कितना सुंदर है। ये ये मंदिर का नाम है प्राचीन माँ आलोपा देवी मंदिर रुक्मणी तीर्थ धाम। फ्रेंड्स, मंदिर बहुत ही सुंदर है, हम लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं। और अभी देखिए ये बाहर का सब कितना सुंदर है, चारों तरफ सफाई हो रहा है, यहाँ पर हवन होता है। यहाँ से आप नीचे जाने का रास्ता ये सीढ़ियाँ, और एक जो है वहाँ से सड़क है। और ये देखिए जय गौरा मैया की, वो सरसों के पौधे हैं। आलोपा देवी जी के मंदिर दर्शन के बाद अभी हम लोग भयानक नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसका रास्ता किला भी एक है। ये देखिए ये किला बना हुआ है, पहले यहाँ एक किला हुआ करता था, इसके पीछे एक किला हुआ करता था। हाँ, मंदिर का रास्ता यहीं से निकल गया है, थोड़ा वैसा रास्ता है ये। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ये भयानक नाथ जी के मंदिर में आ गए हैं, और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं मंदिर के। ये हम लोग भयानक नाथ जी के मंदिर में आ गए। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक कुआ है, लेकिन ये सनी देव है। बिल कुत्ते वर्सेस, सो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉग वर्सेस क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या मस्त नजारा है। ये देखिए गंगा जल चढ़ा रही है शिव जी पे। ये आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे। ये ऐसा आर्य द्वापर युग में जो है राजा भीष्म के द्वारा ये शिवलिंग स्थापित कराए गए थे, यहाँ के राजा थे द्वापर युग में, ये पुनर्जन्म के नाम से जाते हैं। तो राजा भीष्म के पांच पुत्र एक पुत्र थे, उन्होंने अपने एकांत भाषा में जो है उनको अपना दिया था, तो हमारी जो है अपना तो ये शिवलिंग उनको मिली थी यहीं पर। तो यही प्राचीन इसका जो है रास्ते में तार उठा दी। अच्छा है वहाँ मिला तो तार में डाल दी, फिर आपस में उनका मतभेद हो गया, जो चोर थे आपस में मतभेद हो गया, उसमें एक व्यक्ति ने यहाँ अवगत करा दिया गया शिवलिंग घटी हो वहाँ पड़ी है, वो उसकी जात को निलंबन हुई, भोले बाबा की कृपा हुई, पकड़ गए थे तो कोर्ट चली गई, कोर्ट में यहाँ गई धीमी जात है वो जीत गए थे, तो उन्होंने अपना घर रख ली थी, यहाँ नहीं रखी है अभी भी उनके घर में आई है, इटावा में रखी हुई है। इटावा पूरा घर उनका सत्यानाश हो चुका है, फिर भी मूर्ति मूर्ति वापस कर देंगे जी के जहाँ की जगह है वहाँ विनाश हो गया उनका पूरा। भोले बाबा तो जी तो मतलब मंदिर में सुबह 8 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक लोग 2 घंटे परिक्रमा करते हैं। यहाँ के गाँव के जितने भी लोग हैं ये सभी परिक्रमा करते हैं यहाँ की, और यहाँ पे जो लोग बाहर से आते हैं वो भी यहाँ पे आके परिक्रमा करते हैं। ये पूरा गाँव ऐतिहासिक जगहों से भरा हुआ है, यानी जैसे अभी हम लोग गए थे अलोपा देवी जी के मंदिर में, और फिर रात में हम लोग आए हैं ये भयानकनाथ जी के मंदिर में। तो यहाँ पे और भी जगहें हैं, पर अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सभी जगहों को देख सकें। अभी हम लोग जो है वो अलोपा देवी जी के मंदिर और भयानकनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी इसलिए का चीज़ें काफ़ी रात की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए हम लोग आपको थोड़ा व्यू नहीं दिखा पाए, और हम लोग भी काफ़ी सुबह से निकले हुए थे तो थक चुके थे, और अभी हम लोग रास्ता बहुत ही ज़्यादा अंधेरा वाला था इस वजह से उसका कुछ ऐसा वीडियो नहीं हम लोग बना पाए हैं। तो मैंने जितना वीडियो बनाया है मैंने उतना आपको डाला है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे लाइक करिए और शेयर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ अब अभी हम लोग अपने घर आ चुके हैं, और घर पे अभी आके मैंने चाय वगैरह बनाई है पी है, और अभी हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग में जब आपके साथ मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत गुड नाइट एंड गुड बाय। अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू।